वैसे आज के इस वीडियो में मैं YouTube पर एक बहुत बड़ा जो मिथ चल रहा है उसको बिल्कुल ही क्लियर करने वाला हूँ। प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा, आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ही मिथ है, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये फर्जी पना चल रहा है यहाँ पर। गाइस, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा ये कहते हुए कि YouTube पर आप अपनी अर्निंग को शो नहीं कर सकते हो। भाई क्यों नहीं शो कर सकते, मैं आपको प्रूफ के तौर पर आज दिखा रहा हूँ, ठीक है। गाइस, मैंने एक वीडियो खुद की अपलोड करी है 6 महीने पहले, आप लोग देख सकते हो, उस पर 6.4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और उस वीडियो में मैंने अपनी एक्चुअल अर्निंग शो करी थी। 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों तक मेरी वीडियो गई है। क्यों नहीं आई भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक? उसमें कमेंट्स भरे पड़े हैं कि भाई आपके वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, वीडियो डिलीट मार दो। अरे भाई, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी यूट्यूब पर क्यों फैला रखी है यार? कुछ गाइस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आती है। सतीश के वीडियो अपनी हर साल यूट्यूब की अर्निंग शो करते हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अक्ष वर्मा अपनी हर साल की यूट्यूब अर्निंग शो करते हैं अपने मेन चैनल पर। काफी सारे फॉरेन यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब है ना हमारा अमेरिका का है, वहीं पर फॉरेन यूट्यूबर्स अपनी अर्निंग को शो करते हैं। कहां आती है भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक? तो क्यों इतनी नेगेटिविटी मार्केट में फैला रखी है कि अर्निंग शो करने से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है? गाइज, ये पूरी तरीके से मिथ है, ये मिथ फैलाया जा रहा है। वही है ना, परंपरा चली आ रही है कि भाई अर्निंग शो नहीं कर सकते, तो अभी भी अर्निंग शो नहीं करोगे, क्या चल रहा है पता नहीं गाइज। बट मैं गाइज आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को कोई यूट्यूब पर आज की डेट में अर्निंग शो कर रहा है तो अर्निंग को देखा करो, उससे मोटिवेट हुआ करो कि इंटरनेट से भी इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अपने घर परिवार आप चला सकते हो यूट्यूब से, अपना टैलेंट दिखाकर यूट्यूब पर चल सकते हो, उससे काफी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर कोई भी यूट्यूबर आपको अपनी अर्निंग शो करता है तो उससे मोटिवेट होने की कोशिश किया करो कि हाँ भाई इतना पैसा हम लोग यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं, हम लोग यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जो यूट्यूब पर आने के बाद आप अर्न कर सकते हो। तो YouTube पर अर्निंग दिखाना गाइज कोई भी इलीगल काम नहीं है, लीगल है, आप अर्निंग शो कर सकते हो। मैंने भी एक वीडियो में किया था, 60 लाख लोगों तक मेरी वीडियो गई है, कुछ उस वीडियो पर हुआ, हालांकि उस पर कमेंट्स गाइज ऐसे आ रखे भाई आपकी वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना होगा इन फ्यूचर, क्योंकि अर्निंग दिखाना कोई भी इलीगल काम नहीं है। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अर्निंग आप दिखा सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, और अर्निंग दिखाओगे तो न्यू यूट्यूबर मोटिवेट होगा उससे, ताकि उसको भी पता लगे कि हाँ यूट्यूब से इतना अर्न कर सकते हो, ताकि वो यूट्यूब पर आए और अपना पैशन दिखा के अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ है कि आप लोग अर्निंग शो नहीं कर सकते। तो गाइज इस मिथ को आज ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप अर्निंग को शो कर सकते हो, बेझिझक आप अर्निंग को शो करिए, कोई आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज दूसरी बात, एक और मिथ फैलाया जा रहा है यूट्यूब पर हमारा कि भाई अगर आपके 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। गाइज ये पूरी तरीके से मिथ है। पता नहीं कौन यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों के बीच नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि अगर आपका 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए तो चैनल डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब डिलीट कर देगा। गाइज क्या मिलेगा आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन न्यू यूट्यूबर्स तक पहुंचाने की? गाइज इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूट्यूब अपनी तरफ से आपका चैनल क्यों डिलीट करेगा? एक बात लॉजिक से है, सोचने वाली बात है, आप उसके प्लेटफॉर्म पर आए हो, 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके कंप्लीट नहीं होते हैं या 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ तो भी YouTube कुछ डिलीट नहीं करता है, ठीक है। चाहे आप आज चैनल बनाओ, उसे 10 साल तक ना यूज करो, 10 साल बाद भी अगर आप उस पर काम करना शुरू करोगे तो भी YouTube डिलीट नहीं करेगा, डिलीट वाला तो फंडा ही नहीं है। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो तब डिलीट हो सकता है, बट अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है या सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है तो डिलीट नहीं होगा गाइस, ठीक है। इस तरह की नेगेटिविटी से बच के रहो, जो भी यूट्यूबर्स ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे बच के रहो। मैं आप लोगों के सामने इसी मिथ को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिलीट का कुछ भी नहीं होता है। और रही बात आपके 1 साल में 4000 घंटे कंप्लीट करने होते हैं तो गाइस वो एक फंडा होता है। अगर आपका 1 साल से ज्यादा का समय हो गया और आपका 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ तो पुराने जो है एक एक दिन कम होते जाएंगे, यहाँ पर एक एक दिन बढ़ता जाएगा, मतलब आपका लास्ट 365 डेज में आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स तो आपके कम नहीं होंगे, बट घंटे जो होते हैं 1 साल बाद कम होने लगते हैं, वो इधर एक एक दिन बढ़ने लगता है, उधर एक एक दिन कम होने लगता है। तो एक्चुअल रीजन ये है, डिलीट विलीट का कोई सिस्टम नहीं है। तो गाइस ये दोनों मिथ थे, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, ठीक है। और इस बात को याद रखना, इन मिथों के चक्कर में मत फंसना, ये मिथ है, एक भ्रम है जो यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है, तो इनसे बच के रहना, मैंने क्लियर सब कुछ कर दिया है। चलो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को गाइज व्यूज नहीं बढ़ रहे तो ऊपर वाली वीडियो को चेकआउट करो, और अगर आप लोगों के गाइज सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो नीचे वाली वीडियो को चेकआउट करो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।